अब जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं गौरव जी, इसके बाद मैं आ रही हूं अन्य मेहमानों के पास। देखिए, इन्होंने कांग्रेस के लिए दूसरी लाइन बोली, ये तो अच्छा लगा, जला है दिल जिस भी जल गया होगा, लेकिन रूह जो है, आर से राहुल आर से रूह, आपने क्या किया आपको मालूम है? कांग्रेस की भ्रष्टाचारी रूह, सांप्रदायिक रूह तो अभी भी घूम रही है। आप बताइए, बुनियादी अंतर आप बता रहे थे, हमने इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन किसानों ने किया, हमने रिकॉर्ड खरीद और रिकॉर्ड भुगतान किया, लेकिन 2006 से 14 तक 8 साल थे आपके पास, आपने स्वामीनाथन जी की एमएसपी को 1.5 गुना कर देने की सिफारिश तो नहीं मानी। स्वामीनाथन जी ने तो मोदी जी की तारीफ करी, मोगा में और हनुमानगढ़ में जो लाठी बरसाई है आपने किसानों पे, पंजाब और राजस्थान में, वो किसने बरसाई, उसका क्या करेंगे आप? और दोहरे मापदंड देखिए, मैं आपको दो उदाहरण जल्दी जल्दी दे देता हूं। पहला, आप याद करिए, लखीमपुर में चरणजीत चन्नी, पंजाब के मुख्यमंत्री आते 1 करोड़ का चेक देते हैं, मैं कहता हूं वो ओछी राजनीति नहीं थी क्या? आप जो पंजाब के किसान हैं, जिनकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है, उनको आप देंगे 1 करोड़ की राशि? और दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए कि आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा प्रधानमंत्री जी मंच साझा कर रहे हैं ऐसे मंत्री के साथ जिनके बेटे के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा चल रहा है, प्रियंका वाड्रा गांधी कभी मंच को नहीं साझा करेंगी? एक 120 एक में बीच में मत बोलिए, ठीक है, पूरा कर ले, एक सेकंड अभय जी, पूरा कर ले, पूरा बीच में नहीं बोला था मैं, इसके बाद भाटी जी मैं फौरन आ रही हूँ सर। हाँ, दूसरा अंजना जी, अगर प्रियंका वाड्रा गांधी चतुर्मुर्ख की तरह ना हो जाए तो वो बताए भूपेश बघेल के पिताजी के खिलाफ भी एक मुकदमा चल रहा है, तो भूपेश बघेल को तो हटाना चाहिए फिर, तो सोनिया गांधी का नंबर गया, राहुल गांधी का गया, और भूपेश बघेल भी हटाए जाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार का सदस्य उसके खिलाफ मुकदमा है तो उसका पिता या उसका पुत्र गुनहगार है, तो फिर ठीक है, ये तय हो गया आज से, इस कार्यक्रम के जाने के बाद आप तुरंत उन तीनों को हटवाइए। और अंत कर रहा हूं एक बात पे, एमएसपी लागू करना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान करना हो, चाहे सॉइल कार्ड देने की बात हो जो 23 करोड़ दिए, चाहे वो हमने बाकी जो कदम उठाए हैं, ये सब दर्शाता है कि किसानों की चिंता अगर किसी को है तो वो नरेंद्र मोदी जी को है। अपने बंगले में एसी चला के बैठना और उसके बाद राजनीति करना, ये केवल गांधी परिवार का शौक है और इस शौक को जनता खत्म करेगी। ठीक है अभय जी, छोटा सा जवाब, क्योंकि आपके आपके नेताओं पर बोला इसलिए 2 लाइन का प्लीज। देखिए, घुटने टेके हैं राहुल गांधी जी का और सोनिया गांधी जी का आंदोलन 2014 में, जब जमीन हड़पने का लेकर आए थे ना आप, आपके सीएसीपी की रिपोर्ट पढ़िए गौरव भाटिया जी, वो कह रहे हैं कि समर्थन मूल्य का जो फॉर्मूला है वो इतना छोटे रकबे में उसका कैलकुलेशन होता है वो सही नहीं आता, उसने एक और गंभीर आरोप लगाया दाल खरीद कर ऐसे समय बाजार में उतारते हैं राजकुमार भाटी जी, जिसकी आप इज्जत कर रहे हैं। अब रुक जाइए, थोड़ा थमिए राजकुमार भाटी जी, क्या विपक्ष निहत्था हो गया? कृषि कानूनों पर सरकार को घेर रहे थे लेकिन प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी कर दी है। आज आपके डिबेट में शेरोशाह की दो पंक्तियां याद आ रही हैं, भर जाता है गहरा घाव जो बना हो बोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। इन 10 महीने के अंदर जो किसानों को अपमानित किया गया, गालियां दी गई है, मोदी जी आपने कृषि कानून तो वापिस कर दिए, क्या वो गालियां भी वापिस कर देंगे? क्या वो जो चरित्रहनन किया गया, किसानों को आतंकवादी बताया गया, आरोप लगाए गए, क्या वो भी वापस कर देंगे? जो 700 किसानों की जान गई, क्या वो भी वापस कर देंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस गलतफहमी में हैं कि अब आप मोदी जी को विशाल हृदय और संवेदनशील किसान हितैषी बता के उनका महिमामंडन करेंगे, वो संवेदनशील व्यक्ति होता है जो 7 महीने तक किसान भूखे प्यासे सड़क पर बैठे रहे, खुली धूप में, सर्दी में, बारिश में, और 700 किसानों की मौत होगी और मोदी जी एक शब्द नहीं बोले, देश का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, अभी भी नहीं बोले, कृषि कानून तो वापस कर लिए, उन 700 लोगों की मौत पे एक शब्द नहीं बोले। ये पूरा देश देख रहा है कि ये संवेदनहीन प्रधानमंत्री है, ये संवेदनहीन सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। अगर ये इस गलतफहमी में हो कि इससे जनता गुमराह हो जाएगी, जनता गुमराह होने वाली नहीं है, अभी तो मुद्दे बहुत हैं। और जो आप कह रहे हैं कि हम हमारा हथियार छिन गया, हम मुद्दा विहीन हो गए, हमारे पास तो बहुत मुद्दे हैं, हम तो जनता के
कल्याण के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज है, जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नफरत बो रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, जातिवाद और धार्मिकता धर्म सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, हम तो इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। हम किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाने वाले नहीं है।